क्या आपकी जो केजरीवाल के साथ कंपेयर किया जा रहा है सही मान रहे हैं या गलत मान रहे हैं? नहीं, हम गलत मानते हैं। सबका अपना अपना विचारधारा, सबकी अपनी अपनी आइडियोलॉजी है। हम लोग बदलने के लिए तो नहीं आएंगे, क्योंकि केजरीवाल एक संपन्न परिवार से थे, बाकायदा वो आयकर विभाग के बहुत बड़े अधिकारी थे। हम एक छात्र हैं, हम लोग जिस बैकग्राउंड से उठे हैं, अगर हम बदलेंगे तो किसको धोखा देंगे? अपने लोगों को देंगे, अपने उस लोग जो आज कई वर्षों से शोषित हैं, दमित हैं, प्रताड़ित हैं। अगर ऐसा होता तो अभी देख सकते हैं अपना छोटा भाई का विवाह करके हम आज आंदोलन कर रहे हैं। तो ऐसा बात नहीं, हमने अपने पारिवारिक स्थितियों को, हमारी माँ बीमार है, दो बार पाँव का फ्रैक्चर हो चुका है, उसके बावजूद हम घर से दूर रखे हैं। तो एक स्वार्थी आदमी होता तो जरूर, चूंकि हम झारखंड के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर चुके हैं, तो इसका मतलब यह है कि हम लोग भविष्य में अगर निर्मल और सुनील के तर्ज पर अगर हमारी शहादत भी हो जाएगी मंजूर है, लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ से हम लोग बैक नहीं जा पाएंगे। केजरीवाल ने अपने आप को राजनीति में भ्रष्टाचार मूवमेंट उन्होंने शुरू किया और आज दिल्ली के और पंजाब दोनों जगह पर कब्जा है। जयराम उसी तरीके से झारखंड के मुद्दों को उठा रहे हैं, 32 का उन्होंने उठाया, 60-40 के स्थानीय नीति, इस जितनी भी उस तरह के जमीन के मुद्दे हैं, और फिर जो है वो एक कहीं सत्ता में आकर उसी तरह केजरीवाल के तरह हो जाएंगे। तो क्या आपकी जो केजरीवाल के साथ कंपेयर किया जा रहा है आप सही मान रहे हैं या गलत मान रहे हैं? नहीं, हम गलत मानते हैं। सबका अपना अपना विचारधारा, सबकी अपनी अपनी आइडियोलॉजी है। हम लोग बदलने के लिए तो नहीं आएंगे, क्योंकि केजरीवाल एक संपन्न परिवार से थे, बाकायदा वो आयकर विभाग के बहुत बड़े अधिकारी थे। हम एक छात्र हैं, हम लोग जिस बैकग्राउंड से उठे हैं, अगर हम बदलेंगे तो किसको धोखा देंगे? अपने लोगों को देंगे, अपने उस लोग जो आज कई वर्षों से शोषित हैं, दमित हैं, प्रताड़ित हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि हम लोग इस प्रकार की कोई कदम उठाएंगे जो अपने निजी का स्वार्थित होगा। अगर ऐसा होता तो अभी देख सकते हैं अपना छोटा भाई का विवाह करके हम आज आंदोलन कर रहे हैं। तो ऐसा बात नहीं, हमने अपने पारिवारिक स्थितियों को, हमारी माँ बीमार है, दो बार पाँव का फ्रैक्चर हो चुका है, उसके बावजूद हम घर से दूर रखे हैं। तो एक स्वार्थी आदमी होता तो जरूर, चूंकि हम झारखंड के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर चुके हैं, तो इसका मतलब यह है कि हम लोग भविष्य में अगर निर्मल और सुनील के तर्ज पर अगर हमारी शहादत भी हो जाएगी मंजूर है, लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ से हम लोग बैक नहीं जा पाएंगे। अब क्या है कि जिस तरीके से आप, जब से आपने घोषणा किया कि पॉलिटिकल पार्टी आप हम चुनाव लड़ेंगे, तब से आप पर पॉलिटिकल, हालांकि कुछ लोग नाम ले रहे हैं, कुछ नहीं ले रहे हैं, अभी लेना नहीं चाहते हैं, इसलिए वो आपके अस्तित्व के एक तरह से नकारना चाहते हैं। तो सुदेश महतो ने पिछले बार कि उससे लोगों से जो सरकार के प्रायोजित हैं, जो बिल्ली के घंटी के तरह अवसर खाने वाले लोग हैं, उनसे आप ये रहिएगा सावधान, इन बयानों को किस तरीके से देख रहे हैं कि सरकार के द्वारा प्रायोजित हैं या अवसर खाने वाले? जयराम महतो, क्या देखिए, अगर ऐसा बात उन्होंने कहा है तो मैं उनका सबसे पहले बड़ा भाई स्वरूप मानता हूं, उनका आदर करता हूं, सम्मान करता हूं, लेकिन ये राज्य की जनता जानती है कि पिछले 23 वर्षों में जब से झारखंड राज्य अलग हुआ है, अवसरवादी कौन है और सरकार में बैठकर सबसे ज़्यादा समय रहकर किसने राज्य की स्थिति और परिस्थिति पर क्या किया है, नहीं किया है, ये राज्य की जनता जानती है। अवसरवादी कौन है ये पूरे राज्य को बताने की आवश्यकता नहीं है। आपने महेंद्र सिंह धोनी का नाम लिया था तो बहुत सारे लोगों ने ट्रोल किया था कि भाई आप महेंद्र सिंह धोनी को किस लिए आप इस तरह के नहीं, हमने उनका नाम नहीं लिया था, बकायदा रिपोर्टर ने पूछा था। हम तो चाहेंगे भाई कि देखिए हमारे लोग भी तमिलनाडु में रहते हैं और जो स्पोर्ट्स है वो तो कोई सरकारी सेक्टर नहीं है, वो तो चर्चा का विषय भी नहीं है, उससे हमारा रोजगार प्रभावित नहीं होता है, वो अलग विषय है। तो इसीलिए हमने कहा कि महेंद्र सिंह धोनी का संबंध रोटी से नहीं है भैया, इस देश में 11 क्रिकेटर हैं लेकिन भूखे लोग कई करोड़ हैं, तो कई करोड़ पर बात कीजिए। बकायदा हमने उनसे कहा भी था। आपको बड़ा लोग बोलते हैं कि भाई डिस्ट्रक्टिव भाषण देते हैं, सिर्फ लड़ाने और बाहरी भित्री की बात करते हैं, नहीं, आपके भाषणों से ये तमाम कई लोगों ने कहा कि भाई ये सिर्फ प्रॉब्लम को ये कर रहे हैं, सोल्यूशन तो नहीं दे रहे। देखिए सोल्यूशन संवैधानिक पदों पर है, अगर हम लोग वहाँ आएंगे तो सोल्यूशन देंगे। देखिए पिछला छः महीना हम बहुत शांतिपूर्ण बात ही रखे थे, लेकिन जब लगातार अमानवीय व्यवस्थाएं देख रहे हैं, देखिए भोली में BCCL ने पीटा हमारे माओ बहनों को, गोधर में वही दोहराया गया, भौरा में वही दोहराया गया, आपका पटिया में वही दोहराया जा रहा है, आपका महोदा क्षेत्र में बागमारा में वही दोहराया जा रहा है। तो मजबूरी एक पीड़ा, वो मेरी आवाज़ नहीं है, मैं एक पढ़ा लिखा छात्र हूँ, मेरे अंदर के आसपास की जो घटनाक्रम घटा, जहाँ मैंने केवल दर्द को देखा, केवल पीड़ा को देखा, तो मजबूरन मुझे बोलना पड़ा। क्यों ना बोले आप बताइए, लगातार मतलब हमारे लोगों को कुछ हो, अभी फोन आया था कि हम लोग फर्जी FIR हो गया है, जमीन का मैटर है, कंपनी यहाँ सब सर्वे कर रही है, हम लोग बोल रहे हैं पहले विस्थापित कर लें। तो इसलिए ये बयान, ये भाषा उस पीड़ा के कारण है। लेकिन सांसद विधायकों को भी तो आप नहीं छोड़ रहे हैं, जैसे आप जाते हैं धनबाद में जाते हैं तो आप धनबाद को बेरमो में जाते हैं तो उनको आप बोलते हैं, फिर तो वो सारे लोग भी आपसे नाराज हो जा रहे हैं कि भाई ये तो अलग तरह के, आप कहते हैं यूपी और बिहार इनको भगाओ, इसलिए नहीं आज तक नहीं बोले हैं, मैं बाकायदा ये सब बाहर वाले लोग नहीं, आज तक हम ये बोले हैं कि हमारे राज्य के नहीं है, और हमने बाकायदा ये आज तक नहीं कहा, बल्कि तो हमने आज भी कहा कि बिहार, बंगाल, उड़ीसा ये तीनों हमारे बड़े
भाई हैं, और मैंने बहुत एकदम साधारण उदाहरण दिया कि ये मानव की रीत है कि चार भाई अगर हैं तो जब वो बड़ा होंगे और पिताजी जब उनका मरने मतलब समय आएगा, मृत्यु सैया पर होंगे, तो चारों भाई में जमीन का बंटवारा होगा। तो ठीक उसी प्रकार बंगाल का बंटवारा हो चुका है, बंगाल का हिस्सा है, बिहार का हिस्सा है, उड़ीसा का हिस्सा है, झारखंड का भी हिस्सा है, तो फिर हमारे हिस्से में बाकी जो तीनों भाई जो हमसे आयु में बड़े हैं, यानी हमारे जोर और हमारी जमीन, उदाहरण दे रहे हैं इसको, अन्यथा में ना ले, तो क्यों मतलब नजर गड़ाना। ये राज्य तो हम ले चुके हैं, जब दो भाई का बंटवारा हो चुका है, हमें हमारे हिस्से का खेत मिल चुका है, तो हमें ये स्वेच्छा होनी चाहिए, हम पर ये निर्णय लेने का अधिकार होना चाहिए कि उस खेत पर फसल क्या होगी। ब्यूरोक्रेट्स में बाहर के लोग, हर जगह नीति नियम बनाने में बाहर के लोग, एकेडमिक जगह में जाएंगे तो बाहर के लोग, टेंडर में जाएंगे तो बाहर के लोग, कॉन्ट्रैक्ट में जाएंगे तो बाहर के लोग, तो हम क्या करेंगे? 12 लाख मजदूर इसलिए हमारे बाहर में है, तो हमने ये नहीं कहा, हमने बकायदा उनको बड़ा भाई माना। और बिहार के बारे में तो स्पष्ट कहेंगे वो संवैधानिक दृष्टिकोण से हमारा बड़ा भाई है, उनके हिस्से में 93,000 वर्ग किलोमीटर, हमारे हिस्से में 79,000 वर्ग किलोमीटर। जब दोनों का बंटवारा हो चुका है, आप अपने हिस्से को ग्रोथ करें, हम अपने हिस्से ग्रोथ करेंगे। हाँ, आप हमें सलाह दें, आप हमारा सहयोग करें, हमारा छीने नहीं, ये तो हम बकायदा हर बार कहेंगे, हमारा छीने नहीं, हम आपका छोटा भाई हैं। लेकिन आप कहीं चले जाएं, उनका हर जगह दबदबा है, तो बकायदा इस बात को तो रखेंगे। चलिए, धन्यवाद आपका, आपने वाकई से बात रखी, आगे कभी फिर जब मुलाकात होगी, अगले किस्तों में बातचीत होगी, लेकिन आज इस तरह के मुद्दों को हमने समझने की कोशिश किया, और जो आरोप इन पर लगते थे उन आरोपों पर इन्होंने बेबाकी से अपनी जवाब दी। तो अपने सहयोगी आकाश, विनोद और शीश रामूर्ति के साथ शशि भूषण, सुशील संभागीय, झारखंड।